सारे बछड़ा बालक विष्णु रूप हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं। ये धाम की विविधता दिखा दी कि धाम इतना विशाल कि उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सहित अनंत कोटि ब्रह्मा कृष्ण की वत्स मोहन लीला में वत्स हरण लीला में दर्शन कर रहे हैं। धाम की विविधता इसी प्रकार काल की विभूता रास में जिन लीलाओं को करने के लिए ब्रह्मरात्रि का समय चाहिए वो यहां तीन याम की रात्रि में ही समाहित हो जाता है। इतनी सारी लीलाएं तीन याम की एक रात्रि में हो ही नहीं सकती हैं, परंतु वहां इतनी सारी जो लीलाएं हैं उन इतनी सारी लीलाओं का केवल एक रात्रि में ही पूरा समाप्त बेश हो जाता है। ब्रह्मरात्र उपारते वासुदेवान मोदिता वृद्ध धर्माश्रयता श्री कृष्ण में काल की वृद्ध धर्माश्रयता सब सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, सब गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, परंतु कृत्वा तावंत आत्मान व्याप्ति गोपियोषिता श्री कृष्ण सब गोपियों के सामने अलग अलग स्वरूप धारण करके भी क्रिया कर रहे हैं। ये अपने स्वरूप की विभुता का दर्शन कर दिया। तो देश काल पात्र और प्रेम सबकी विभुता आश्रय और आधेय इन दोनों की विभुता इनको श्री कृष्ण ने अनेक अनेक बार श्री ब्रज लीला में दर्शन कराया। श्री राधिका का प्रेम भी इसी प्रकार से सदा विरुद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान है। इस काम में राधिका बनकर के यदि वो प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, भाव कांति दोनों मुझे प्राप्त हो जाए, तो इसको मैं जान सकूंगा, इसको मैं मान सकूंगा। जान तो क्या हूं, परंतु मान नहीं सका हूं। मानूंगा तब जबकि वो मुझे स्वयं अनुभव का विषय बन जाएगी। तो राधा प्रेम विभु याद बाणित नाइन ठान श्री राधिका का प्रेम विभू होकर के विराजमान। विभू किसको कहेंगे, बोले जो जिसको बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिले उसका नाम है विभू। तो राधिका का प्रेम ऐसा है जो बढ़ित नहीं ठाए, उससे बड़ा कोई चीज वस्तु नहीं हो सकती है, फिर भी तथापि क्षण क्षण बाढ़े सदाए, तथापि राधिका का प्रेम क्षण क्षण में सदा ही बढ़ता हुआ रहता है। श्री राधिका का प्रेम सदा बढ़ता हुआ रहता है। जो विभू है वो बढ़ेगा कैसे, परंतु श्री राधिका का प्रेम सर्वदा बढ़ते हुए रहता है। राधिका प्रेम ऐसा है जिसको बढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भी वो प्रेम सदा बढ़ता है। यहां भाई गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, निसंदेह ही ये बात कही जा सकती है कि यहां भाई श्री राधिका की तुलना में अन्य कोई बड़ी वस्तु हो ही नहीं सकती है। श्री राधिका उनसे उत्कृष्ट कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है। राधिका की तुलना से तुलना में कहीं कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है, ये निश्चित है। तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, फिर भी राधिका में गौरव नहीं है, सदा सदा दीनता ही रहती है। वृद्ध धर्माश्रय हो गया। जो गुरु है तो उसमें गौरव ऐठ आनी चाहिए, पर यहां ऐठ नहीं है। राधिका में गुरु होते हुए भी उनका प्रेम गौरव से बढ़कर रही थे। तो विभू होने पर भी बढ़ना, गुरु होने पर भी गौरव को प्राप्त न करना, ये वृद्ध धर्माश्रय हो गया। और तीसरी बात, परम निर्मल होने पर भी वामता से युक्त होना। या है थे सुनिर्मल द्वितीय नहीं आठ, श्री राधिका के समान निर्मल कोई दूसरी वस्तु, राधिका प्रेम से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु निर्मल नहीं है। तथापि सर्वदा वाम में वक्र व्यवहार, फिर भी श्री राधिका का व्यवहार सदा वामता वक्रता से युक्त रहता है। ये विरुद्ध धर्माश्रयता हो, तो इस विरुद्ध धर्माश्रयता को ही मैं जानू। ये शास्त्र की एक अभिलाषा चल रही है कि राधिका की प्रणय महिमा को मैं मान जाऊं,
इसका मैं अनुभव करूं, जान तो गया हूं परंतु मांगू मांगूंगा, जब जब स्वयं उस वो प्रेम मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसका मैं अनुभव कर लूंगा। तो ये तीन राधिका में विरुद्ध धर्माश्रय, राधिका में नहीं राधिका के प्रेम में, राधिका के प्रेम में तीन विरुद्ध धर्माश्रय धर्म विराजमान है। राधिका तीन विरुद्ध धर्मों की आश्रय होकर के स्थान होकर के विराजमान है, इसको मैं साक्षात अनुभव करूं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण रूप में निमग्न में उसका मुझे जानकारी तो है पर उसका मैं अनुभव करते हुए विराजमान हूं। श्री प्रिया यदि मुझे अपनी भाव कांति प्रदान कर दे तो उसका अनुभव मुझे हो जाएगा। ये तीन विरुद्ध धर्माश्रय श्री राधिका में विराजमान है, इस विरुद्ध धर्माश्रय को भी मैं जानूं। राधिका की प्रणय महिमा कैसी, इसके लिए तीन चार तर्क दिए, फिर से दोहरा दें। पहला तर्क दिया कि आत्मा राम होने पर भी राधिका मुझे मोहित कर लेती हैं, जरूर राधिका का प्रेम बहुत बड़ा होगा, प्रेम की महिमा कोई बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैं मोहित हो जाता हूं। दूसरा, मेरे हृदय में भी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं राधिका से शिक्षा प्राप्त करूं, श्री राधिका मुझे शिक्षा देती हैं और मैं स्वयं राधिका की वृक्षों में लताओं में छवि का दर्शन करके वे जैसे नृत्य करती हैं इसी प्रकार मैं भी नृत्य की शिक्षा और प्रेम की शिक्षा उन वृक्षों से प्राप्त करता हूं। यह राधिका की महिमा है। फिर तीसरी राधिका की महिमा है कि मुझ में आश्रय जाती है प्रेम 99% ही है, जबकि श्री राधिका में आश्रय जाती प्रेम पूरा 100% है। वे अपने प्रेम को पूरा समर्पित कर देती हैं, मैं उस प्रेम को पूरा समर्पित नहीं कर पाता हूं, अपने कुसंस्कार के कारण पुराने जो आदत है आत्मारामता पूर्ण कामता, उस पूर्ण कामता के कारण आदत के कारण मैं अपने सुख का प्रिया को 99% ही समर्पण कर पाता हूं, 1% आत्मारामता के कारण मुझ में रह जाती है, इसलिए मैं विषय हूं राधिका आश्रय। और तीसरी बात ये कि मुझ में भी वृद्ध धर्माश्रयता है, राधिका में भी वृद्ध धर्माश्रयता है, परंतु राधिका के प्रेम की वृद्ध धर्माश्रयता मुझसे भी कुछ अधिक है। और उसी के लिए श्री दान केल कौमुदी, उनमें श्री रूप गोस्वामी जी ने एक संकेत दिया, उसका निरूपण कर रहे हैं कि विभुरप कल्याण सदा विवृद्धि गुरुरप गौरव चर्या विहीन मो उपचित वक्र माप शुद्धा जयति मुरद्विषि राधिका राग। कि जो विभु होने पर भी सदा अभिवृद्धि को प्राप्त करे, विभुरप कल्याण सदा विवृद्धि, राधिका का प्रेम विभु है, विभु का मतलब है कि जिसको बढ़ने की और कई जगह न हो, सब जगह पहले से ही व्याप्त हो, और कहां बढ़ेगा, कोई जगह ही नहीं है, फिर भी वो प्रेम सदा बढ़ता है, ये विरुद्ध धर्माश्रयता होगी। फिर सबसे गुरु है, भारी वस्तु है, परंतु भारी होते हुए भी उसमें अभिमान नहीं है, परम दीनता राधिका में विराजमान। गुरु होने पर कहीं गौरव आ जाना चाहिए, जरा सा कोई प्रणाम करने लगता है तो मन में किसी भी व्यक्ति के ऐठ आ सकती है, आनी नहीं चाहिए परंतु आ सकती है। श्री राधिका को जगत प्रणाम करता है पर फिर भी राधिका में दीनता विराजमान है, ऐठ जरा भी नहीं है। गुरु होने पर भी गौरवचर्या उनमें नहीं है, अभिमान उनमें नहीं है, हाथ जुड़े ही रहते। और मोह उपचित वक्रमाप शुद्धा, राधिका का प्रेम परम परम शुद्ध है, परंतु श्री श्याम सुंदर के सामने जब भी आएंगे तब सहज बांधता उत्पन्न हो जाएगी, उनमें सहज रूप से ही कहीं सूक्ष्म मान विराजमान है। स्थूल मान तो होता ही है, कभी कभी सूक्ष्म मान होता है,
और कभी कभी अति सूक्ष्म मान तो सदा रहता ही। मान के तीन रूप, मान का एक रूप है स्थूल मान। स्थूल मान वहां जहां पर श्याम सुंदर ने कोई अपराध किया और अपराध करने पर श्याम सुंदर के प्रति उन्मुख होने पर भी जो भाव प्यारे से मिलने नहीं दे, मिलन की सारी अनुकूलता हो परंतु जो भाव मिलने न दे उसका नाम है मान। श्याम सुंदर ने कोई अपराध किया, उस अपराध के कारण शिवप्रिया मान धारण करके आप किसी दूसरी कुंज में जाकर के बैठ गई, यह स्थूल मान, अति स्थूल मान। श्याम सुंदर ने अपराध किया, किसी दूसरी नायिका से मिलकर के पधारे और नायिका के मिलने के चिन्ह उनके कपोल के ऊपर, उनके श्रीअंग के ऊपर कई विद्यमान है, उनको देख करके प्रिया नाराज हो रही। श्याम सुंदर ने अपराध किया, कहीं गोत्र स्खलन, राधिका जी के चंद्रावली बोल गए, चंद्रा बोल गए तो प्रिया जी में मान उत्पन्न हो गया। कोई दूसरा गलत संबोधन निकल गया, गलत नाम मुख से निकल गया तो श्री प्रिया जो है उनमें मान उत्पन्न हो गया। ये फिर जब समाधान किया तो समाधान करने पर वो मान मांग लिया, तो उसका नाम है कहीं मृदुमान, के मान हुआ फिर मान मान गया। फिर एक मान है कि वो तो सदा रहेगा, टेढ़ापन तो सदा रहेगा ही रहेगा, सहज बांधता वो मिलन में भी पूरी तरह से मिलन है फिर भी कहीं ना कहीं बांधता कहीं विराजमान रहेगी, वो है अति सूक्ष्म मान। तो स्थूल मान, सूक्ष्म मान और अति सूक्ष्म मान, ये तीन प्रकार के मान विराजमान हैं। और श्री राधिका में स्थूल मान का समाधान है, सूक्ष्म मान भी जल्दी से मान जाता है परंतु अति सूक्ष्म मान वो तो सदा बना रहता है और उसके द्वारा प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती है। और उस अति सूक्ष्म मान में श्री उत्कंठा और उस उत्कंठा का समाधान दोनों, भूख और भोग की सामग्री दोनों एक साथ, तो मान में कहीं निषेध और निषेध के साथ में फिर प्यारे की रूप माधुरी का पान स्वीकृति, दोनों एक काल में बनी रहती है, इसलिए वो मान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ विराजमान होता है। तो मोह उपचित बक्रमा भी, बार बार उसमें बक्रमा है परंतु बक्रमा से उपचित माने पुष्ट होने पर भी शुद्ध वह मान अत्यंत अत्यंत शुद्ध है। जयति मुरद्विषि राधिका अनुराग, उन श्री मुरद्विषि माने श्याम सुंदर, उनके प्रति राधिका का जो अनुराग है उस अनुराग की जय हो। श्री राधिका में विरुद्ध धर्माश्रयता दिखाई, विभु होने पर भी सदा वृद्धि होना, जो बढ़ा हुआ है वो उसकी वृद्धि कैसे होगी, जो विभु है, जो सीमित है, मध्यम है वो तो विभु बन जाएगा परंतु जो विभु है वो तो मध्यम है नहीं, तो उसकी वृद्धि कैसे होगी। परंतु श्री राधिका का प्रेम विभु होने पर भी वह कहीं सावयव न होने पर भी जो वस्तु सावयव होगी, मध्यम आकार होगी, वो वृद्धि को प्राप्त कर सकेगी, परंतु जो वस्तु मध्यम आकार नहीं है, सावयव नहीं है, वो कैसे बढ़ेगी। यहां पर विभु होने पर भी सना वृद्धि को प्राप्त होगी, निरवय होने पर भी निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त करेगी, विभुर कल्याण सदा को वृद्धि। और गुरुर गौरवचर्या विहीन, जो गुरु है उसमें कहीं गौरव और आशीर्वाद देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए परंतु गुरु होने पर भी वहां पर गौरवचर्या नहीं है, अत्यंत दीनता विराजमान है, ये विरुद्ध धर्माश्रयता। और परम शुद्ध होने पर अर्थात अपने सुख का जरा भी विचार नहीं है फिर भी उसमें सहज बांधता विराजमान है, ऐसे जयति मुरद्विषि राधिका अनुराग, श्री राधिका का अनुराग
उनकी जय हो, जय हो। से प्रेमाश्रय राधिका परम आश्रय, इस प्रेम की श्री राधिका परम आश्रय है। मुझमें भी विभुता है, पर मेरी विभुता, मेरा जो विरुद्ध धर्माश्रयता है वो ऐश्वर्य पर केंद्रित है, जबकि श्री राधिका की विभुता ऐश्वर्य के ऊपर केंद्रित न होकर के भाव के ऊपर केंद्रित है, इसलिए राधिका का प्रेम मुझसे बाव। श्री कृष्ण में जहां जहां भी विरुद्ध धर्माश्रयता आई वहां कहीं ऐश्वर्य का स्पर्श स्पर्श है, ऐश्वर्य के कारण आई कि यशोदा जी बांध रही हो, बड़ी डोरी बड़ी है परंतु छोटी हो रही है, गोवर्धन 7 कोस के हैं 84 कोस की रक्षा हो रही है, गोवर्धन के नीचे पूरा ब्रह्मंडल आ रहा है, तो ऐश्वर्य का प्रयोग हुआ, माने मत्स्यवत लीला का कहीं त्याग हो रहा है। ऐश्वर्य उसे कहते हैं कि जहां मनुष्यवत लीला का परित्याग हो जाए उसका नाम ऐश्वर्य। परंतु श्री राधिका उनकी स्थिति यह है कि उनमें विरुद्ध धर्माश्रयता होते हुए भी मनुष्य लीला का त्याग नहीं है, इसलिए श्री राधिका की विरुद्ध धर्माश्रयता मुझसे और ज्यादा बढ़ करके, ये कहने का था ऐश्वर्य के कारण विरुद्ध धर्माश्रयता नहीं है, बल्कि भाव के स्वरूप के कारण श्री राधिका में विरुद्ध धर्माश्रयता है, इसलिए राधिका का प्रेम मेरे विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप से कहीं अधिक बढ़कर के है। इसका मुझे जानकारी तो है, जानता तो हूं, परंतु मानूंगा तब जबकि श्री राधिका मुझे अपनी भावकांति दे दे, तो फिर मुझे उसका अपरोक्ष अनुभव होगा। अभी तक जो अनुभव हो रहा है वो परोक्ष अनुभव है, परंतु अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए जब वो भाव राधिका मुझे दे देंगी तब उसका मैं स्वयं अनुभव करते हुए विराजमान होगा। तो श्री राधिका की प्रणय महिमा में ये तीसरा तर्क दिया। पहला तर्क था कि आत्माराम होने पर भी राधिका मुझे विमोहित कर लेती हैं। दूसरा तर्क था कि मैं राधिका से प्रेम की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं और शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा तर्क था श्री राधिका आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करती हैं, मैं विषय जाति प्रेम का आस्वादन करता हूं, विषय जाति प्रेम की तुलना में आश्रय जाति प्रेम बड़ा है, उसका मैं आस्वादन करना चाहूं। और चौथा जो राधिका की महिमा, उसके लिए एक तर्क दिया कि मुझमें जो विरुद्ध धर्माश्रयता है उस विरुद्ध धर्माश्रयता का समाधान करने वाला ऐश्वर्य बीच में हेतु विराजमान है, परंतु श्री राधिका में जो विरुद्ध धर्माश्रयता है, राधिका के प्रेम में जो विरुद्ध, जो कंट्राडिक्टरी, जो उनमें फीचर्स विराजमान हैं, वो स्वाभाविक रूप में विराजमान है, वो किसी ऐश्वर्य के कारण उनका समाधान नहीं हो रहा है। मेरा विरुद्ध धर्माश्रयता मेरी ईश्वरता के कारण है, जबकि राधिका की विरुद्ध धर्माश्रयता ऐश्वर्य के कारण नहीं है, बल्कि वह राधिका प्रेम का स्वभाव स्वाभाविक रूप में विराजमान, इसलिए श्री राधिका प्रेम और भी ज्यादा बढ़कर के है। इसलिए श्री प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, श्री प्रेमार आमि हय केवल विषय, उस प्रेम की श्री राधिका परम आश्रय है और मैं उस प्रेम का केवल विषय ही हो सकता हूं, उस प्रेम की श्री राधिका परम आश्रय होकर के विराजमान, अर्थात श्री राधिका उस प्रेम को परम परम रूप में समर्पित कर देती है, मैं उसका विषय होकर के विराजमान, ऐसा प्रेम मुझ में नहीं है, मैं श्री आत्माराम होकर के भी अपने आत्माराम का खो सकता हूं, मैं
राधिका के प्रेम की शिक्षा लेने वाला हूँ, श्री राधिका प्रेम की शिक्षा मुझसे नहीं लेती हैं, मैं उनसे शिक्षा लेता हूँ। श्री राधिका आश्रय जाति होकर के विराजमान, मैं विषय जाति होकर के ही विराजमान हूँ। आश्रय जाति तक कुछ देर मेरे में रहती है, फिर अंत में विषय जाति कहीं बढ़ जाता है, इसलिए मैं विषय जाति सुख को ग्रहण करके विराजमान हूँ। अर्थात अपने प्रेम का मैं शत प्रतिशत समर्पण नहीं कर पाता, श्री राधिका अपने प्रेम का शत प्रतिशत समर्पण कर देती हैं, मैं 99% ही समर्पित कर पाता हूँ, पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाता। फिर श्री राधिका का प्रेम स्वाभाविक रूप से विरुद्ध धर्माश्रय है, जबकि मेरी विरुद्ध धर्माश्रयता मेरे ऐश्वर्य के कारण है, इसलिए श्री राधिका परम आश्रय हुई। अंत में जाकर के निर्णय होगा तो मुझ में विषय तत्व रह जाता है, मैं कहीं प्रेम का विषय बनकर के ही विराजमान हूं। विषय जाति सुख अमार आस्वादन आमा हैते कोटि गुण आश्रय आधार। विषय जाति सुख अमार आस्वाद, मेरा जो आस्वादन है वो विजय विषय जाति सुख का आस्वाद है, जबकि मेरी अपेक्षा श्री राधिका का जो आह्लाद है वह कोटि गुणा अधिक है, वह करोड़ों गुना अधिक है, श्री राधिका का सुख और भी ज्यादा है। आश्रय जाति सुख याइते मन धार, आज आश्रय जाति सुख को प्राप्त करने के लिए मेरा मन दौड़ रहा है। आश्रय जाति सुख पाई थे मन धार, मैं आश्रय जाति सुख को प्राप्त करूं इसके लिए मेरा मन दौड़ लगाता है। यत्ने आस्वादित नारी की करी उपाय, प्रयत्न करने पर भी मैं आस्वादन करना चाहता हूं पर तो आस्वादन नहीं कर पाता हूं, क्या उपाय है? कोई उपाय है नहीं। प्रयत्न करने पर भी मुझे आस्वादन करने पर प्रयत्न करने पर आस्वादन करता हूं पर तो आस्वादन नहीं कर पाता हूं, आश्रय जाति पूरी तरह से नहीं कर पाता हूं, आदत खराब है, पुराने कुसंस्कार है आत्मा रामदा के, इसलिए थोड़ा सा अपने सुख का पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाता हूं, इसलिए विषय जाति बना रहता हूं। कभू यदि एक प्रेमार हो आश्रय तभी ये प्रेमानंदेर अनुभव हो। अतः श्री श्यामचंदर में एक वांछा रही कि कभी इस प्रेम का मैं आश्रय बन जाऊं, यदि मैं राधिका बन जाऊं तब इस प्रेमानंद का पूरा अनुभव मैं कर पाऊंगा। कृष्ण रूप में इस प्रेमानंद का पूरा अनुभव नहीं कर पाता हूं, श्री राधिका यदि अपनी भाव और कांति दे दें तो कांति दे देंगी तो उस प्रेम का आस्वादन करूंगा और उस प्रेम का दूसरों को भी दान करूंगा, और भाव के द्वारा मैं राधिका हूं इस भाव से अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करूंगा। ए चिंत्य रहे कृष्ण परम कौतुकी, ये विचार करके श्री कृष्ण परम कौतुकी है और हृदय बाढ़े लोक, हृदय बाढ़े प्रेम लोक भगत हो, और उस समय हृदय में प्रेम का लोक उनके हृदय में और ज्यादा निरंतर निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो राधिका प्रेम की प्राप्ति के लिए सदा उनको उत्कंठा धकधकी लगी रहती है कि कैसे उस प्रेम को मैं प्राप्त करूं। तो यही चिंत्य रहे कृष्ण परम पौत्र की, श्री कृष्ण हाय कब राधिका की भाव कांति मुझे मिलेगी, भाव कांति दोनों मिल जाए तो उस प्रेम का मैं आस्वादन कर पाऊं, ये मुझे कम मिलेगी, इसलिए प्रेम के प्राप्त करने की लोभ की उनमें उत्कंठा धकधकी निरंतर जगी रहती है, उत्कंठा युक्त होकर के विराजमान। अब ये होगी पहली वांछा
श्री राधिका के प्रेम की महिमा कैसी है, तुम्हारा दोहराने की जरूरत नहीं, पर फिर भी निष्कर्ष रूप में चार तर्क तत्व यहां पर दिए, चार तर्क दिए। श्री राधिका की प्रेम महिमा अधिक है, आत्मा राम को आकर्षित कर लेना ये राधिका में सामर्थ्य है, इसलिए राधिका का प्रेम बड़ा। दूसरी, मैं राधिका का शिष्य नट हूं, राधिका मेरी गुरु है, मैं राधिका से प्रेम की शिक्षा प्राप्त करता हूं, राधिका मुझसे प्रेम की शिक्षा प्राप्त नहीं करती है, इसलिए राधिका मुझसे बड़ी है। तीसरी बात कि यद्यपि प्रेमी प्रेम का दोनों आश्रय विषय होते हैं, परंतु तो आश्रय विषय होने पर भी मैं पूर्ण आश्रय इसलिए नहीं हो पाता कि मुझ में जो प्रेम का आनंद है उसको मैं पूरी तरह से राधिका को समर्पित नहीं कर पाता, 99% ही समर्पित कर पाता हूं, जबकि श्री राधिका 100% अपने प्रेम के अपने सौंदर्य को मुझे समर्पित कर देती है। निज सुख और निज सौंदर्य का मैं राधिका को पूरी तरह से समर्पण कर सकने में समर्थ नहीं हूं, जबकि राधिका अपने सुख और सौंदर्य को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देती है। और चौथी बात कि मेरा विरुद्ध धर्माश्रयता कहीं ऐश्वर्य की बैसाखियों पर अटका हुआ है, भगवत्ता के आधार पर अटका हुआ है, जबकि श्री राधिका का विरुद्ध धर्माश्रय प्रेम वह स्वाभाविक है, वह ऐश्वर्य की बैसाखियों के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए राधिका की प्रेम महिमा निस्संदेह ज्यादा है। इस बात का मुझे कुछ जान तो गया हूं, पर मानूंगा तब, जबकि वो प्रेम मुझे राधिका अपनी भाव कांति दे दे तब मैं उसका अनुभव कर पाऊंगा स्वयं, और अनुभव करके फिर उसको मान सकूंगा, अन्यथा अभी जो अनुभव है वह परोक्ष अनुभव है, वह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, अपरोक्ष अनुभव नहीं है। अपरोक्ष अनुभव कब होता है, बोलिए, यदि बुद्धि या मन के माध्यम से किसी वस्तु का आस्वादन किया गया तो वहां पर बुद्धि का बीच में पर्दा हो गया, वो परोक्ष अनुभव कहलाएगा। शास्त्र कह रहे हैं और हम में बुद्धि है इसलिए हम मान रहे हैं ब्रह्म ये है, परंतु ज्ञान की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, ज्ञानी जो है उसका मन भी समाप्त हो जाता है, तो उस समय ब्रह्म का जो अनुभव है वो बिना मन के अनुभव है, इससे स्वरूप होता है, इसलिए वो अपरोक्ष अनुभव है। जब तक मन रहेगा तब तक परोक्ष अनुभव होगा, इसीलिए ज्ञान मार्ग में भी इस बात को ज्ञान मार्ग से जल्दी से समझा जा सकता है। ज्ञान मार्ग ज्ञानी ये कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा है, जब ज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाएंगे, तब वो अनुभव अपरोक्ष अनुभव होगा। दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है, दर्शन का पर्दा हट जाएगा तब दृष्टा और दृश्य एक हो जाएंगे, और एक होकर के जो अनुभव होगा वह स्वरूप भूत अनुभव होगा, वह बुद्धि के माध्यम से अनुभव नहीं है, इसलिए उसको वो अपरोक्ष अनुभव कहलाएगा। बुद्धि के माध्यम से हुआ, बुद्धि है, वाणी है, तब कोई बात कही जा रही है तो वो अपरोक्ष अनुभव है। जो कुछ भी वाणी कह रही है, बुद्धि जो कह रही है, बुद्धि से जिसको ग्रहण किया जा रहा है, काम के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण किया जा रहा है, वहां पर कोई परोक्ष वस्तु विराजमान है, कोई साधन विराजमान, और जब तक साधन है तब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव होगा जबकि वस्तु दोनों मिलकर के एक हो जाए, दृष्टा और दृश्य इन दोनों के बीच से दर्शन का पर्दा हट जाए। यदि ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच से ज्ञान का पर्दा हट जाए तब जाकर के ज्ञान रूप होकर के कोई व्यक्ति उस ज्ञान का
वास्तविक अनुभव कर सकता है, अन्यथा तू और मैं कुछ न कुछ दूरी रही आएगी। इसलिए श्री कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं राधिका ही बन जाऊं, अपनी बुद्धि के माध्यम से राधिका का आस्वादन अनुभव नहीं कर दूं, बल्कि आत्मा के द्वारा राधिका का अनुभव कर दूं, राधिका बनकर के राधिका के माधुर्य का अनुभव कर सकूं, अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करूं, परोक्ष अनुभव नहीं। ये श्री राधिका की श्याम सुंदर की महिमा, और ये प्रथम वांछा का व्याख्यान हुआ। और उस प्रथम वांछा श्री राधिका की महिमा कैसी, इस प्रथम वांछा का समाधान श्री गौर हरि होने पर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। अब दूसरी श्री कृष्ण की वांछा है कि मेरा अपना सौंदर्य कैसा, इसको कृष्ण बनकर के मैं पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकता, मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से कुछ अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है, कृष्ण बनकर के कृष्ण के आस्वाद का की प्राप्ति नहीं हो सकती, कृष्ण से कुछ अलग होकर के ही कृष्ण के आस्वाद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण अपने कृष्णपने को छोड़ करके श्री राधापना धारण करना चाहते हैं। इसी बात को आगे व्याख्या कर रहे हैं कि एक एक, एक शून आद लोभे प्रकार स्वमाधुरी देह कृष्ण करे विचार, कि श्री कृष्ण के हृदय में एक दूसरी अभिलाषा हुई, दूसरा एक लोभ उत्पन्न हुआ कि कृष्ण ने जब अपने स्वरूप का दर्शन किया तो अपने दर्शन स्वरूप का दर्शन करके आप विचार करने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि द्वारका में श्री कृष्ण ने मणिखंड में अपने प्रतिबिंब का दर्शन किया और उस अपने रूप का दर्शन करके श्री राधिका श्री कृष्ण चमत्कृत हो गए कि अरे ये कौन है, अपने रूप का दर्शन करके कृष्ण ही चमत्कृत हो गए कि ये कौन है। और उस समय कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अरे ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं, अब प्रतिबिंब में मणिखंड में अपने प्रतिबिंब को देख करके विमोहित हो गए। ऐसी एक घटना का वर्णन श्री ललित माधव में दो जगह किया गया, मथुरा में भी वर्णन किया, द्वारका में भी वर्णन किया। मथुरा में एक बार श्री कृष्ण नाटक का दर्शन कर रहे हैं रंगमंच के ऊपर, और उस समय